Today I will teach you again mathematics of class 7th. As you know, our third chapter decimals is running. आज जो हम आपके आगे जो भी टॉपिक लेकर के आए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए. आपको इस एक्सरसाइज 3D को स्टार्ट करने से पहले एक बार जो मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, मैं किस तरह से आपको डेसिमल शिफ्ट करने हैं या मूव करने हैं लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट, उसके लिए आपको क्या कुछ रूल्स अप्लाई करने होंगे, वो आपको थोड़ा सा ध्यान से एक बार देखना है. और इस एक्सरसाइज को आपने थोड़ा सा सीरियसली भी करना है, क्योंकि इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं. और फिर कुछ बच्चे जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने की वजह से, ना होने की वजह से, उन क्वेश्चंस को जो है वो गलत अटेम्प्ट करके आते हैं, और उस वजह से उनके जो मार्क्स है वो डिडक्ट हो जाते हैं. तो इसीलिए आपने बिल्कुल अटेंटिव होकर इन क्वेश्चंस को देखना. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन. यदि आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है और उसमें ये कहा जाता है कि इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज करो, या किलोमीटर को डेकामीटर में चेंज करो, या किलोमीटर को आपने मिलीमीटर में चेंज करना है, या फिर मिलीमीटर को किलोमीटर में चेंज करो, या फिर डेकामीटर को मीटर में चेंज करो, या फिर डेकामीटर को किलोमीटर में चेंज करो, तो उन प्रोसेस के अंदर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है. बस दो तीन स्टेप्स जो मैं आपको बता रहा हूँ वो केयरफुली आपने सुनना भी है, देखना भी है, और फिर उसको अप्लाई भी करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो देखो, सबसे पहले जो हमारी यूनिट्स हैं उनको हमने अरेंज कर रखा है. कैसे अरेंज कर रखा है, ये देखो, यहाँ पे सबसे पहले जो है वो किलो है, फिर हेक्टो, फिर डेका, फिर ये यूनिट हमारी जो भी होगी इसके अंदर हम मीटर लेके चल रहे हैं, तो यहाँ मीटर होगा. यदि हम लीटर में करेंगे तो यहाँ लीटर हो जाएगा. इसी तरह से वेट की बात करेंगे हम, तो उसमें फिर वेट यहाँ डाल देंगे हम. अब यहाँ देखो, इसके बाद डेसी, फिर सेंटी, और फिर लास्ट में जो लिखा हुआ है वो है मिली. अब इनको अरेंज कैसे करना है, जैसे आपने किलो वाली यूनिट को चेंज करना है हेक्टो में, तो आप ये देखो कितने स्टेप्स आप जंप कर रहे हो, वन स्टेप, टू स्टेप, थ्री स्टेप या फोर स्टेप. तो देखो, किलो से जब हम हेक्टो पे आएंगे तो हमें ओनली वन जंप करनी है. इसी तरह हेक्टो से जब हम डेका पे आएंगे तब भी वन जंप करनी है. जब डेका से हम यूनिट के ऊपर आएंगे तब भी वन जंप करनी है. जब यूनिट से हम डेसी पे जाएंगे तब भी वन जंप है. इसी तरह इनके अंदर तो वन वन जंप है. तो जब हम वन जंप करेंगे, ध्यान से सुनना, लेफ्ट टू राइट, तब आपको 10 से मल्टीप्लाई करनी है. और जब हम मूव करें या जंप करें कहां पर, राइट टू लेफ्ट, जितने भी जंप करेंगे उतनी ही जीरो से, मतलब वन जीरो है तो 10 से डिवाइड करेंगे, टू जीरो है तो टू मतलब 100 से डिवाइड करेंगे, यदि थ्री जंप करने हैं तो 1000 से डिवाइड करेंगे. दोबारा सुनिए एक बार, डिवाइड कब करेंगे, जब हम राइट टू लेफ्ट की तरफ जाएंगे. इसको हम सिंपल वे में ये भी कह सकते हैं, राइट टू लेफ्ट का मीन्स स्मॉलर यूनिट से जब हम ग्रेटर यूनिट की तरफ जाएंगे, जैसे कि मिली से सेंटी ग्रेटर है, सेंटी से डेसी ग्रेटर है, डेसी से जो हमारी यूनिट है केवल वो ग्रेटर है, उस यूनिट से डेका ग्रेटर है, ग्रेटर डेका से हेक्टो ग्रेटर है, हेक्टो से किलो ग्रेटर है. जब हम स्मॉलर यूनिट से लार्जेस्ट यूनिट की तरफ जाएंगे तो हमें ऑलवेज क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा उतने ही जीरो से जितने हम जंप करके जा रहे हैं. और यदि हम लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करेंगे, जंप करेंगे, तो जितने स्टेप्स हमने जंप किए हैं उतने ही जीरो से हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करनी है. मल्टीप्लाई किस केस में करनी है, जब हम ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जाएंगे तब. बिल्कुल सिंपल है. अब एक बार ये देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, यदि हम किलोमीटर से मीटर की तरफ जा रहे हैं, किलोमीटर से यदि हमें डायरेक्ट मीटर बनाना है तो आपको थ्री जंप्स करने होंगे. और थ्री जंप्स करने का मतलब कितनी जीरो से मल्टीप्लाई करनी है, थ्री जीरो मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई करनी है. और यदि आपके पास हेक्टोमीटर है और हेक्टोमीटर से आपने क्या बनाना है, डेकामीटर, तो डेकामीटर बनाने के लिए देखो हमने वन जंप किया, और वन जंप करने का मतलब क्या है, उसकी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. इसी तरह यदि डेकामीटर से हमें वापिस हेक्टोमीटर बनाना हो तब हम किससे डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मल्टीप्लाई करनी है, और जब हम राइट टू लेफ्ट आएंगे तब हमें डिवाइड करना है. राइट टू लेफ्ट मीन्स स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर यूनिट की तरफ, और ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ. बिल्कुल सिंपल है. यदि आपने, अब ये देखिए एक बार इसके अंदर,
ये क्या है किलोमीटर, और किलोमीटर से हमें बनाना है मिलीमीटर। तो आपको कितने स्टेप्स मतलब मूव करना होगा, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 जंप आपको करने होंगे। तो 6 जंप्स आपको करने हैं, तो इसका मतलब आपको 6 जीरो से मल्टीप्लाई कर देनी है 1 लगा करके। और यदि हम मिलीमीटर से किलोमीटर पे आते हैं तो हमें 6 जीरो से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो इस तरह से मुझे लगता है ये आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। अब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करके जो हमारी एक्सरसाइज है 3D का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड करेंगे, उसे आपने केयरफुली देखना भी है और समझना भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, अब हम हमारी एक्सरसाइज 3D का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है, कन्वर्ट 8 किलोमीटर टू मीटर। तो आपने 8 किलोमीटर को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो आप ये देखो, ये किलो है और इसको हमें चेंज करना है मीटर में। तो किलो से जब हम यूनिट मीटर यूनिट है तो इसके ऊपर आएंगे, तो कितने स्टेप्स हमने जंप किए हैं, 1, 2 और 3 के ऊपर जब हम आए हैं तो 3 स्टेप्स हमने जंप किए हैं। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, फ्रॉम किलोमीटर टू मीटर। किलोमीटर से मीटर की तरफ हम गए हैं, तो इट इज जंप, इट इज 3 जंप्स टू द राइट। राइट की तरफ हमने कितने जंप्स किए हैं, 3 जंप्स किए हैं। तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, हम 8 किलोमीटर की, तो 8 की मल्टीप्लाई 1000 से कर देंगे और पीछे क्या लिख देंगे, इसके मीटर लिख देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 8000 मीटर। तो इस तरह से हमने 8 किलोमीटर को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, मीटर की फॉर्म में। तो इस तरह ये फर्स्ट पार्ट था। इसका सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, 4.8 Hg टू Cg। अब बात ये आती है कि Hg क्या है और Cg क्या है। जी से तो आपको पता लग रहा है ग्राम है, तो Hg के लिए हम यहाँ पे क्या मतलब एक तरह से करेंगे, तो ये हेक्टोग्राम है, उसको हमें चेंज करना है सेंटीग्राम के अंदर। तो हेक्टोग्राम को हम सेंटीग्राम में जब चेंज करेंगे तो उसके लिए हमें कितने स्टेप्स मूव करना होगा, देखो हेक्टो से 1, 2, 3 और 4। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, इसकी 4 से। तो ये हो जाएगा देखो 4.8। अब ये Hg नहीं रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई हम 4 जीरो से मतलब 4 10,000 सेंटीग्राम से कर देंगे। और यहाँ पे क्या लिख दोगे आप ये बात, फ्रॉम हेक्टोग्राम टू सेंटीग्राम इट इज 4 जंप्स टू द राइट। तो इसीलिए अब हम एक काम करते हैं, आपको पता है डेसिमल वाला ये रूल, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि यदि 0 है और डेसिमल हमें यहाँ से हटाना है तो उतने ही स्टेप्स हम, जितनी 0 है उतने स्टेप्स हम मूव कर देंगे राइट की तरफ। तो 4 है तो 4 स्टेप्स करेंगे, तो 1 स्टेप तो ये काउंट हो जाएगा, बाकी हमारे पास 3 जीरो हमें लगानी होंगी। तो यहाँ भी ये बन जाएगा 40,000 सेंटीग्राम। तो इस तरह आपका ये सेकेंड पार्ट भी हो चुका है। सेकेंड पार्ट के बाद देखिए आप इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, देखिए इसमें क्या स्टेटमेंट है थर्ड पार्ट की, 18.5 लीटर टू मिलीलीटर। तो ये यूनिट है, तो देखो यूनिट में लीटर आएगा, जैसे लीटर आया था वैसे ही लीटर है। तो अब लीटर पे आप मान लो खड़े हो और आपको मिलीलीटर की तरफ जाना है, तो 1, 2, 3 स्टेप्स आपको कवर करना होगा। तो यहाँ यही लिखेंगे हम, अब यहाँ फ्रॉम किलोमीटर की बजाय क्या लिखेंगे, लीटर लिखेंगे, फ्रॉम लीटर टू मिलीलीटर इट इज 3 जंप्स टू द राइट। और अब आपको पता है इसकी किससे मल्टीप्लाई करनी होगी हमें, 1000 से, पीछे क्या लिखना है मिलीलीटर। तो अब ये देखो ये डेसिमल यहाँ से शिफ्ट होके नेक्स्ट चले जाएगी और 2 जीरो लग जाएंगे, तो 1850 मिलीलीटर। तो ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट। इसी तरह से फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट देखो क्या गिवन है, फोर्थ पार्ट में है 28.35 dl टू Cl। अब dl और Cl, l से तो आपको पता चल ही रहा है ये लीटर है, अब dl का मतलब यहाँ से आप देखोगे एक तो डेका लीटर है और एक क्या है डेसीलीटर। तो डेका लीटर को लिखने के लिए याद रखना dal आएगा, याद रखना, क्योंकि डेका में भी d से स्टार्टिंग है और डेसी में भी d से स्टार्टिंग है।
तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब डेटा आएगा तो डी ए एल लिखा होगा और जब ओनली डी एल लिखा होगा तो आप ये अंडरस्टूड होना कि ये डेसी है। तो अब आपने डेसी से कहाँ पे जाना है, सेंटीलीटर के ऊपर, तो एक ही स्टेप आपको मूव करना है। तो ये 28.35 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 10 से और पीछे हम लिख देंगे सी एल, और यहाँ क्या लिखेंगे हम, फ्रोम एच जी नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, डी एल टू सी एल, इट इज वन जंप टू द राइट। तो 10 से मल्टीप्लाई किए तो देखो 28, डेसिमल वन प्लेस शिफ्ट हो जाएगी इधर, तो ये हो जाएगा 283.5 सी एल। तो इस तरह से आपका ये फोर्थ पार्ट का जो है वो आंसर होगा। इसके बाद देखिए इसका फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में हमें क्या करना है, फिफ्थ पार्ट की स्टेटमेंट है 93 डी ए जी टू डी जी। तो अब इसमें भी आप देखो जी तो ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेका को, और डी किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेसी को। तो डेका से डेसी में आने में आपको टू स्टेप्स यूज करने होंगे, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम डेका ग्राम टू डेसी ग्राम इट इज टू जंप्स टू द राइट। तो आप क्या करोगे, 93 अब की मल्टीप्लाई 100 से कर दोगे और पीछे क्या लिख दोगे, डेकाग्राम। तो ये हो जाएगा 9300 डेकाग्राम। तो ये आपका फिफ्थ पार्ट हो चुका है। फिफ्थ पार्ट के बाद आपको अब करना है इसका सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स्थ पार्ट ये आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ये आपने खुद करना है। देखो क्या है ये, एच एम टू मीटर। तो एच एम क्या होगा हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो एच मतलब हेक्टोमीटर, से हमें मीटर पे जाने हैं। तो टू स्टेप्स हमें कवर करने होंगे, टू जंप्स, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना और इसका आंसर आप करके देखना, ठीक है। तो देखिए इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेवंथ पार्ट है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। सेवंथ पार्ट में क्या स्टेटमेंट है, 9600 मिलीमीटर टू मीटर। अब ये देख सकते हो आप, मिलीमीटर इज स्मॉलर यूनिट एज कंपैरिजन मीटर। तो अब आपको लेफ्ट टू राइट नहीं जाना है, अब राइट टू लेफ्ट की तरफ आएंगे। तो जब आपको राइट टू लेफ्ट की तरफ आना है तो हमें डिवाइड करना होता है, कितने जंप करने हैं हमें। तो अब ये देखिए आप, मिलीमीटर से मीटर पे आने के लिए, तो देखो ये मिली है, मिलीमीटर से हमें कहाँ पे आना है, मीटर पे। मीटर आपको पता है सेंटर में है यूनिट, तो 1, 2, 3, तो इसका मतलब 1000 से हमें डिवाइड करना है। और यहाँ क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम मिलीमीटर टू मीटर इट इज थ्री जंप्स टू द, अब राइट नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, लेफ्ट लिख देंगे। तो इस तरह से ये भी चेंज हो जाएगा, और इधर 9600 को डिवाइड करेंगे 1000 से और यहाँ पे हो जाएगा ये मीटर। तो अब ये देखो 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे और 10 के बाद डेसिमल 10 अपॉन में है, तो 1.6 हो जाएगा ये, तो 9.6 मीटर। तो इस तरह से आपका जो सेवंथ पार्ट है उसको हम चेंज करेंगे मिलीमीटर को मीटर में, तो क्या बन जाएगा, 9.6 मीटर। इसके बाद देखिए इसका एट पार्ट, 32.48 डी ए जी टू के जी। तो अब आपको ये देखना है डी ए जी का मतलब क्या होगा, डेका ग्राम, और के जी का मतलब क्या होगा, किलोग्राम। तो आपको डेका ग्राम को चेंज करना है किलोग्राम में, तो ये भी हमारी स्मॉलर यूनिट टू लार्जेस्ट यूनिट की तरफ जाना है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी ए जी, और यहाँ सी एल की प्लेस में क्या लिख देंगे, के जी। फ्रॉम डी ए जी टू के जी इट इज, कितने जंप करने हैं हमें, टू करने हैं। देखो डी ए पे हैं हम और किलो पे आना है, तो 1 और 2, तो 2 जंप्स टू द राइट के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, लेफ्ट लिख देंगे। तो इस तरह से 32.48 को हम डिवाइड करेंगे 100 से और पीछे क्या लिख देंगे, किलोग्राम। अब आपको पता है जब हम डेसिमल को डिवाइड करते हैं 100 से, तो 20 है इसके अंदर, तो 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगी डेसिमल कहाँ पे, लेफ्ट की तरफ। तो ये बन जाएगा 0.3248 केजी। तो आपका जो आंसर होगा एट्थ पार्ट का वो होगा 0.3248 किलोग्राम। इसी तरह से अब हम इसका पार्ट नंबर नाइन्थ देखते हैं। नाइन्थ में क्या स्टेटमेंट है, 125 सेंटीमीटर को आपने चेंज करना है डेकामीटर में,
तो इसमें भी हमें देखो सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर हमारा ये है, और हमें इसको चेंज करना है डेकामीटर में, तो डेकामीटर हमारा ये होगा। तो ये देखो सेंटी से डेका तक आने के लिए 1, 2, 3 स्टेप्स का यूज करना है। तो 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और अब यहाँ बन जाएगा डेकामीटर, तो 0.125 डेकामीटर। तो इस तरह से ये चेंज हो जाएगा, और इसको भी आपने साथ साथ क्या करना है, लिखते रहना है। जैसे मैंने आपको समझाया वैसे ही आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह से लिखते चलना है। अब इसका 10th पार्ट देखिए, 10th पार्ट में क्या है, 292 मिलीलीटर को आपने चेंज करना है सेंटीलीटर में। तो आप देखो 292 को डिवाइड करेंगे, मिलीलीटर ये है और सेंटीलीटर कौन सा होगा, ये है। तो एक स्टेप तो 10 मतलब 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये सेंटीलीटर बन जाएगा। तो आंसर आएगा 29.2 सेंटीलीटर। तो इस तरह से ये 10th पार्ट हो गया। इसका जो 11th पार्ट है, ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है और अपना आंसर मैच करना है। तो इसके बाद देखिए हमारा पार्ट नंबर 12th पार्ट में हमें क्या करना है, 0.85 डेकालीटर को चेंज करना है सेंटीलीटर में। तो डेकालीटर हमारा ये है और सेंटीलीटर ये है, तो इसका मतलब हमें कहाँ से कहाँ शिफ्ट करना है, लेफ्ट टू राइट। आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मल्टीप्लाई करनी है, और यदि राइट टू लेफ्ट की तरफ आएंगे तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। और वो मैंने आपको बता ही दिया था लिखने के लिए, पर 0.85 इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि डेकालीटर ये है, इसको चेंज करना है सेंटीलीटर में। तो 1, 2, 3, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीलीटर बन जाएगा। अब 30 इस तरफ शिफ्ट करेंगे जब डेसिमल पर, तो 852 प्लेस तो हो ही जाएंगे, 10 लग जाएगी, 850 सेंटीलीटर। इसी तरह से इसका 13th पार्ट देखिए, 13th पार्ट में क्या स्टेटमेंट गिवन है, 750 मीटर को आपने चेंज करना है किलोमीटर में। तो इसके अंदर भी देखो 750 को हमें मीटर को डिवाइड चेंज करना है, मीटर यहाँ है और इसको हमें शिफ्ट करना है किलोमीटर में, तो डिवाइड करना होगा कितने प्लेस का, देखो 1, 2, 3, तो 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे और ये बन जाएगा किलोमीटर। और अब ये देखो 0 से 0 कैंसिल किया, 3 के बाद डायरेक्ट आप डेसिमल लगा सकते हो, 0.750 किलोमीटर, ये भी करेक्ट है। या फिर आप ये 0 हटाना चाहो तो हटा सकते हो, तो 0.75 किलोमीटर, ये दोनों ही जो इसके आंसर हैं वो करेक्ट हैं। अब इसके बाद 13th पार्ट मैंने आपको करवा दिया, 14th पार्ट आप खुद करोगे। अब इसका जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का 15th, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। 8.75 किलोग्राम को चेंज करना है ग्राम में, तो आप देख सकते हो जो ग्रेटर यूनिट है उसको स्मॉलर में चेंज करना है, तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, ग्राम किलोग्राम से ग्राम में जाना है हमें, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब 3 डेसिमल इस तरफ शिफ्ट करेंगे जब, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8750 ग्राम। तो इस तरह से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसी रूल को अप्लाई करते हुए सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए देखिए जो क्वेश्चन अब हमारा सेकंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी लाइट में नोट लेना, एक दो स्टेप्स आपको इसमें ध्यान रखने हैं, वो देखिए क्या है। देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका क्या सॉल्यूशन है, 46 मीटर 18 सेंटीमीटर को आपको चेंज करना है सेंटीमीटर में। ध्यान दो इसमें 46 मीटर 18 सेंटीमीटर ये इकट्ठा है, इसको आपने चेंज करना है किसके अंदर, सेंटीमीटर की फॉर्म में। तो आप ये देखो क्या लिख सकते हो, इसको 46 मीटर प्लस में क्या है ये 18 सेंटीमीटर, इन दोनों को मिला के आपने क्या बनाना है, सेंटीमीटर। तो इसके लिए आप यहाँ पे मेंशन भी करोगे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो देखो यहाँ से हम मीटर है ये, और मीटर को हमें किसके अंदर चेंज करना है, सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर होंगे। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये क्या बन जाएगा, 46 मल्टीप्लाई में 100 मीटर की मीटर को चेंज कर देंगे सेंटीमीटर में, और प्लस में हमारे पास 18 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4600 सेंटीमीटर और प्लस में 18 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4618 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने जो हमारा फर्स्ट पार्ट था 46 मीटर 18 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर दिया हमने किसकी फॉर्म में, सेंटीमीटर की फॉर्म में। इसी तरह से सेम रूल अप्लाई करके हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में देखिए क्या स्टेटमेंट है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे शायद, सेकंड पार्ट है हमारा 1 kg 2 ग्राम को हमें चेंज करना है ग्राम में। तो यहाँ पे आपको पता है
वन केजी, केजी को हम चेंज करेंगे, ये केजी है इसको चेंज करेंगे ग्राम के अंदर, तो ग्राम हमारा कहाँ पे आएगा, ये यूनिट जो है वो ग्राम ही है। तो कितने स्टेप्स हमने मूव किए हैं, थ्री स्टेप्स। तो वन केजी की मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 ग्राम से, और प्लस में हमारे पास क्या है 2 ग्राम, तो 1000 ग्राम प्लस में 2 ग्राम, दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1002 ग्राम। और यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है जी। अब ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट देखिए क्या है, 6 किलोमीटर 350 मीटर, इसको हमें चेंज करना है मीटर की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 6 किलोमीटर और प्लस में 350 मीटर। अब आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई विद 1000 मीटर और प्लस में 350 मीटर। इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 6000 मीटर प्लस 350 मीटर। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6350 मीटर। तो इस तरह से हमारे थर्ड पार्ट के अंदर हमने इस किलोमीटर और मीटर को चेंज कर दिया ओनली मीटर्स के अंदर। तो अब हम इसका फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट की देखिए क्या स्टेटमेंट दी हमें, 3749 मीटर 2 किलोमीटर एंड मीटर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे अलग है थोड़ा सा। देखो अब ये इतने मीटर गिवन है और इसको हमें चेंज करना है किलोमीटर और मीटर की फॉर्म में, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन है, इस तरह से। तो अब ये देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3749 मीटर को हम लिख सकते हैं 3000, देखो मीटर है ना, इसको हमें किलोमीटर में चेंज करना है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं 3000 मीटर प्लस में 749 मीटर, ऐसा लिख सकते हैं, इतने मीटर प्लस इतने मीटर। अब इसको किलोमीटर में चेंज करना है, तो आपको पता है मीटर को जब हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हम उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से, या 1000 से डिवाइड, ऐसे भी लिख सकते हो आप 1000। और अब ये तो बन जाएगा किलोमीटर और प्लस में ये क्या है 749 मीटर, तो अब ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 3 किलोमीटर एंड 749 मीटर। तो आपका जो ये फोर्थ पार्ट है उसका आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर एंड 749 मीटर। इसी तरह से इसका जो फिफ्थ पार्ट है ये आपकी ट्राई के लिए है, आप खुद करोगे और अपना आंसर मैच करोगे। इसके बाद देखिए जो इसका सिक्स पार्ट है, सिक्स पार्ट की क्या स्टेटमेंट है, 5003 ग्राम 2 किलोग्राम। तो आप ये देख सकते हो ग्राम है हमारा, तो इस ग्राम को हमें चेंज करना है किसके अंदर, केजी के अंदर। तो केजी के अंदर कैसे चेंज करेंगे, पूरी स्टेटमेंट देखो एंड ग्राम भी है यहाँ, तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 5000 ग्राम प्लस 3 ग्राम, तो ये हो जाएगा, इसको हम किलोग्राम में जब चेंज करेंगे तो डिवाइड करेंगे 1000 से, अब ये किलोग्राम बन जाएगा और प्लस में 3 ग्राम है, तो अब जीरो से ये जीरो कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 5 kg and 3 ग्राम। तो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, 5 kg 3 ग्राम। इसी तरह से इसका सेवन्थ पार्ट देखिए, सेवन्थ पार्ट की स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास ये है, 6095 मिलीग्राम को आपने चेंज करना है ग्राम एंड मिलीग्राम में। तो आप ये देख सकते हो मिलीग्राम ये है और ग्राम हमारा यहाँ पे आएगा, तो 6000 यहाँ पे क्या है, ये मिलीग्राम और प्लस में 95 मिलीग्राम, एक स्टेप तो हमारा ये बन जाएगा। फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, इस 6000 को डिवाइड कर देंगे, सॉरी डिवाइड करना है वैसे तो 1000 लिख देते हैं, या मल्टीप्लाई में 1/1000 लिख दो, एक ही बात है। अब ये हमारे क्या बन गए हैं, ग्राम बन गए हैं और प्लस में ये 95, ये जो मिलीग्राम है इसको भी हमें किसके अंदर चेंज करना था, मिलीग्राम में ही चेंज करना है इसको, तो ऐसे ही चीज रखना है। अब इन जीरो से ये जीरो कट हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, 6 ग्राम एंड 95 मिलीग्राम। तो इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चंस हैं उसको कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपने लिखना है। इसके बाद एक पार्ट हम और कर लेते हैं, उसके बाद एक दो जो पार्ट बचे हुए वो आपने खुद ट्राई करनी है, आप अच्छे से सीख चुके हो गए इनको चेंज करना। तो इसका लास्ट पार्ट देखिए, टेंथ पार्ट की क्या स्टेटमेंट है, 5 किलोलीटर
250 लीटर है, इसको आपने चेंज करना है लीटर के अंदर। तो आपको पता है 5 किलो लीटर है, तो 5 की यदि हम मल्टीप्लाई कर दें 1000 से तो वो लीटर बन जाएगा, और प्लस में क्या है ये 250 लीटर है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 5000 लीटर और प्लस में 250 लीटर, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5250 लीटर। तो एक तो बार शायद मैंने इसको 500 बोल दिया होगा, इसके लिए सॉरी बेटा। तो ये जो हमारा 5000 है, तो 5000 को हम क्या लिख सकते हैं, 5250 लीटर। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट थी उसको हमने चेंज कर दिया है किस फॉर्म में, लेटर की फॉर्म में। तो इस तरह से आज हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ही हमने कंप्लीट किए हैं। तो सेकंड क्वेश्चन तक आपने अपनी फेवर और बुक में कंप्लीट करना है, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो बाद में आपको मिलेगी। थैंक यू।